प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद चल रही है। धर्म संसद को आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ने थोड़ी देर पहले संबोधित किया। मोहन भागवत ने कहा, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार किसी की हो उनका कानून नहीं मानेंगे। टीवी के सामने खड़े होकर इंशाअल्लाह करके संदेश देते हैं। टेलीविजन के कैमरों के सामने 10-10 बार भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ऐसी घोषणा देने में ये लोग थे, ये सबने देखा है। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिला पुरुष भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कपट है। लेकिन हमारा समाज थोड़ा अज्ञानी है, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। तो मोहन भागवत ने यहां तीखे शब्दों में कहा, प्रयागराज में जो विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद चल रही थी उसमें आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसी की हो उनका कानून कुछ लोग नहीं मानते, और टीवी के सामने खड़े होकर इंशाअल्लाह करके भारत के टुकड़े होने की बात कहते हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि सरकार क्या कहती है, कानून क्या है, बस उनका कहना है कि वो कानून नहीं मानेंगे। कैमरों के सामने 10-10 बार भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह ऐसी घोषणा देने में ये लोग थे, ये सबने देखा है। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिला पुरुष भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कपट है। लेकिन हमारा समाज थोड़ा अज्ञानी है, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी, और जानकारी देते ही जब वो जान जाएगा तो एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। ये आप मान लीजिए, देर इसी बात की है। दूसरे प्रस्ताव में उल्लेख है कैसे कैसे प्रयास चल रहे, कैसा कैसा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र बड़ा पुराना है और उम्मीद उनको थी कि हम इसको सफल कर लेंगे, स्वतंत्रता के पहले से चल रहा है। लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया है, उनको पहला धक्का था। और स्वतंत्र भारत में जिन लोगों को हिंदुत्ववादी कहा जाता है वो लोग सत्ता पर आते हैं, ये उनके लिए दूसरा धक्का था। 2014 के चुनाव के बाद इंग्लैंड में एक प्रमुख वृत्त पत्र ने अग्रलेख छापा, उसके शीर्षक में लिखा कि आखिर भारत के लोगों ने ब्रिटिश राज्य को अलविदा कह ही दिया 2014 में, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश को अपना मानने वाले, इस देश की संस्कृति का गौरव मन में रखने वाले, इस देश को माता मानकर उसकी भक्ति करने वाले, इस देश के समाज को अपना मानने वाले, ऐसे अपने पराक्रमी पूर्वजों के गौरव को मन में लेकर अपना जीवन चलाने वाले लोग अगर इस देश में खड़े हो गए तो इस देश को विभाजित रखकर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करना और दुनिया में अपने स्वार्थ के दुकान चलाना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। और इसलिए नया प्रकरण उन्होंने निकाला, जात पात के भेद को उबाड़ा, कहीं पर अधिकारों की बात उबाड़ी। अब पत्थलगड़ी जिन अधिकारों की बात करती है उन अधिकारों को समाप्त किसने किया? इन्हीं लोगों ने। भारत के स्वतंत्रता का जब हरण हुआ तो इनके कानून के तहत वो अधिकार छीने गए।